TVS Ntorq में एक्चुअली 125cc है एंड ऊपर से वो ब्लू कलर न्यू अभी लॉन्च हो गया है। तो भाई आए थे दो गाड़ी पे, अभी जा रहे हैं तीन गाड़ी लेकर। ओके तो गाइस आज का व्लॉग कुछ अभी इवनिंग के टाइम स्टार्ट हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है इवनिंग के 7:30 हो रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, एंड दिवाली का पहला दिन है आज। एंड आज हम लोग जा रहे हैं, अभी जैसे कि टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चला ही होगा कि आज का व्लॉग कौन से टॉपिक पे है। तो मैं दो दिन पहले हम लोग गए थे, मैं एंड डैड, तो हम लोग ने बाइक बुक की थी एक्चुअली TVS की, जैसे कि Ntorq पता ही होगा आप लोग सभी को। तो अभी उसकी डिलीवरी लेने जा रहे हैं एंड एक्चुअली ये टाइम पर डिलीवरी मिल रही है, बिकॉज दो दिन पहले गाड़ी बुक की थी तो अभी डिलीवरी मिल रही है। एंड बड़ी बात हो गई कि दो दिन में डिलीवरी मिल रही है पहली बात। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एंड हम लोग के साथ मेरा भाई है पीछे एंड थॉमस और आवेश, तो हम लोग चार जन जा रहे हैं डिलीवरी लेने। ओके तो थॉमस के लोग के लिए हम लोग रुके एंड देखो इन लोग आ रहे हैं। तो ये थॉमस एंड आवेश, वो उसकी डीओ पे है थॉमस के एंड हम लोग के बुलेट पे। तो आते वक्त सीन क्या होगा ना, मेरा भाई उसको राइड करेगा TVS Ntorq को एंड मैं मेरी इस पर एंड ये इसके इस पर। अभी काफ़ी लेट भी हुआ है ना एक्चुअली और अंधेरा भी है, तो पता नहीं आज का व्लॉग कैसे बनेगा, बट आई होप मेरे से जितना हो सके उतना आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि लंबा व्लॉग खींच के मतलब नहीं होएगा नाइट के टाइम पे। एंड वॉइस आ रही है नहीं आ रही वो तो मेरे को भी नहीं पता, बट आई होप वॉइस आती होगी। ओके तो हम लोग को उन लोगों ने ऐसा कहा था शोरूम वाले ने कि 2-3 बजे तक दोपहर के मिल जाएगी गाड़ी, बट सीन ऐसा हुआ ना वो काफ़ी लेट हो गया एंड हम लोगों ने भी कॉल किया बट उन्होंने बोला कि गाड़ी अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तो हम लोगों को एक्चुअली आधे घंटे पहले ही फ़ोन आया, बोले कि आ जाओ वगैरह वगैरह आ गई है। तो इसलिए मैंने सोचा व्लॉग बना देता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट मैं व्लॉग बनाता तो फिर ये हो जाता था। ओके तो गाइस डायरेक्ट वहीं पर मिलते हैं एंड एक्चुअली अभी कुछ बोलने जैसा है नहीं क्योंकि नाइट में तो मेरा भी इतना मूड नहीं बन रहा है बोलने का, तो वो डायरेक्ट अभी मिलते हैं वहीं पे एंड वहीं पे पूछ के मैं दिखा देगा आप लोगों की गाड़ी की कौन सी बुक किए हैं, कौन से मिलने वाले आज वगैरह, डिलीवरी किसके। तो थंबनेल तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने, सो अभी डायरेक्ट वहीं पर मिलते हैं। तो भाई ये एग्जॉस्ट में ना पटाखे नहीं फूट रहे, नहीं तो मैं यहीं पर दिवाली मनाता एंड मैंने वही सोच के बनाया, साइलेंसर लगवाया, मैंने सोचा दिवाली आ रही है तो चलो साइलेंसर लगा लेते हैं। एंड यहाँ से नहीं नहीं करके कुछ 2-4 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत एक्साइटेड है हम लोग, चारों जन एक्साइटेड है गाड़ी देखने के लिए, बिकॉज हम लोग ने फ़ोटो में देखा था एंड बुक करने के टाइम पर भी फ़ोटोज़ में दिखे थे, बिकॉज TVS Ntorq में एक्चुअली 125cc है एंड ऊपर से वो ब्लू कलर न्यू अभी लॉन्च हो गया है तो वो वाली बुक की है। तो भाई साहब ट्रैफिक बहुत 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 ट्रैफिक है, सच में बहुत सारा ट्रैफिक है, देख सकते हो राइट हैंड साइड में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगी है। एंड हम लोग पहुँचने ही आए ऑलमोस्ट, थोड़े से दूरी पे ही है। तो भाई यहाँ वाले बंदे ना कहीं से भी आ रहे, कहीं से भी, कोई राइट से जा रहे कोई लेफ्ट से आ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे राइड करना है। देखो तो भाई ये सिग्नल से राइट मारना है, हाँ तो यही पे है राइट हैंड साइड में, तो यह ऐसे राइट मारना है बस। तो भाई यहाँ से यू टर्न लेना है, राइट हैंड साइड में वो शॉप है भाई, हाँ तो यहाँ से यू टर्न लेना है, ये शोरूम है तो यहाँ पे से बुक किया। तो भाई खड़ी है अंदर बाइक एंड मैं अभी जो भी रिकॉर्डिंग करूँगा वो अपने मोबाइल से करूँगा क्योंकि GoPro से तो नहीं करूँगा। एंड ये शोरूम है, सो मैं गाड़ी दिखा दूँगा कौन सी बाइक है कौन सी नहीं अंदर ही, तो व्लॉग बनाने भी मिलेगा एंड ज़्यादा भी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो अभी देखो आप लोग सीधा व्लॉग। ओके तो गाड़ी ये वाली बुक की है बाइक, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग TVS Ntorq एंड कुछ इस तरह से दिख रहे हैं एंड इसका सीटिंग वेटिंग चेक कर रहे हैं जरा, चेसी नंबर 1380। एक्चुअली ज़्यादा क्राउड भी नहीं है अभी, तो भाई लुक में बहुत मस्त लग रहे हैं। आवाज कैसा लग रहा है, कलर सही है ना? तो मस्त सिद्धू
अभी इसका सिनेमैटिक शॉर्ट्स देख लो एंड बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ओके तो एक्चुअली गाड़ी हम लोग बाहर से नीचे उतारे एंड जैसे कि देख सकते हैं मेरा भाई इसको राइड कर रहा है। तो भाई अंधेरे में इतना कुछ ये नहीं आता, बट आई होप कलर देखो गाइस, कलर बहुत ऑसम है। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड मैं बुलेट राइड कर रहा हूँ, ये थॉमस ये राइड कर रहा है एंड मेरा भाई ये राइड कर रहा है। तो मेरे पीछे कौन बैठेगा आवेश? मैं बैठूंगा। तो चलो अभी निकलते यहाँ से, चल चलो। ओ भाई साहब, अपन भी मोटो ब्लॉगिंग बनाएंगे वो ब्लॉग उस पर, तो अभी संभल के लेके जाना होगा बिकॉज 12-13 किलोमीटर जाना है घर पे। तो उसको मैंने बोला कि स्लो ही चला एंड पहले तो फ्यूल डालना है उसके अंदर, पेट्रोल कुछ भी नहीं है बिकॉज शोरूम से पेट्रोल नहीं डालते देते पहले से, तो पेट्रोल डालेंगे यहीं पर। तो मैं मेरे गाड़ी में भी पेट्रोल डलवा रहा हूँ, वो वाले गाड़ी में भी डलवा रहे। तो अभी फटाफट पेट्रोल भरा लेंगे यहाँ से। ओके तो पेट्रोल भरा के हो गया है एंड वो पेमेंट कर रहा था, तो अभी यहीं से निकलेंगे डायरेक्ट घर पे एंड घर पे थोड़ा बहुत पूजा वूजा करेंगे। अभी फ़िलहाल हार लगवा दिए बिकॉज मम्मी ने बोला था मुझे कि हार लगाना, तो अभी यहाँ से निकलेंगे। तो अभी टाइम हो रहे 9:30 तक हो रहे, चल। तो भाई आए थे दो गाड़ी पे, अभी जा रहे 3 गाड़ी लेकर। तो भाई साहब बुलेट भगाने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो भाई एंटॉक भी चला लेंगे अभी अपन। एंटॉक के ऊपर जो व्यू मिलेगा ना भाई साहब, डिजिटल मीटर प्लस ऐसा व्यू बहुत ऑसम लगेगा। तो अभी सीधा मिलते हैं अपने घर पे एंड थोड़ा सा पूजा वूजा करेंगे, तो वो भी सिनेमैटिक शॉट्स में दे दूंगा। वो मिलते हैं अभी डायरेक्ट अपने इधर।